हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखा है? मुझे यकीन है कि कभी ना कभी तो स्टार्टअप का ख्याल आपके मन में जरूर आया होगा, और ऐसा हम सबके साथ होता है। आइए, आए दिन हम एक नए स्टार्टअप के बारे में न्यूज में सुनते रहते हैं, जैसे कि ओला टैक्सी, उबर, जोमैटो, स्विगी, एयरबीएनबी आदि ऐसे स्टार्टअप हैं जो बहुत ज्यादा सफल हो चुके हैं और इनके ऑनर करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। तो आज हम स्टार्टअप से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाने वाली किताब या बुक समरी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जिसका नाम है 0 to 1, और इसे लिखा है पीटर थियल ने। सबसे पहले पीटर थियल के बारे में आपको बताती हूँ। आपने पेपल का नाम तो सुना ही होगा। जब आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भी नहीं जानते थे, तब से पेपल अमेरिका में यूज हो रहा है। पेपल से आप ईमेल के जरिए ही पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं। पेपल को दो लोगों ने मिलकर डेवलप किया था, एक तो पीटर थियल थे और दूसरे उन्हें सारी दुनिया जानती है, वो है एलन मस्क, सदी के क्रांतिकारी एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर। जो भी व्यक्ति स्टार्टअप शुरू करना चाहता है और एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो आइए हम शुरू करते हैं 0 to 1 ऑडियो बुक समरी। इसका पहला पॉइंट है कि जीरो का मतलब सबको पता होता है, जीरो यानी नथिंग। तो पीटर थियल यही बात कहते हैं कि अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना है तो जीरो से स्टार्ट कीजिए, मतलब ऐसे प्रोडक्ट से शुरुआत कीजिए जो अभी तक एग्जिट नहीं करता है, या दूसरे शब्दों में कहें उसकी क्वांटिटी जीरो है। लेकिन बहुत से लोग गलती करते हैं कि वो वन से स्टार्ट करते हैं। पीटर के ऑडिटिंग का वन का मतलब है पहले से ही उस प्रोडक्ट का मार्केट में मौजूद होना। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। मार्केट में बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, जैसे कि कोको कोला, थम्सअप, मिरिंडा, माजा आदि सॉफ्ट ड्रिंक पहले से ही मौजूद हैं। यदि आप नया स्टार्टअप लगाते हैं तो इनके जैसे ही कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं तो क्या होगा? इससे केवल कंपटीशन ही बढ़ेगा। बड़ी कंपनीज के पास तो पैसा होता है, वैसे ही पैसे की ताकत से वे नई स्टार्टअप के कंपटीशन को आसानी से कुचल देते हैं और नया स्टार्टअप फेल हो जाएगा। यही मेन रीजन है कि 95% स्टार्टअप एक या दो साल में ही फेल हो जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें? यही पीटर थियल ने समझाया है कि जीरो से स्टार्ट करें, ना कि वन से। उसका मतलब है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट लाने के बारे में सोचे जो एकदम नया हो, ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में ही न मिलता हो। जब प्रोडक्ट एकदम नया होगा तो उसका कोई कंपटीशन भी नहीं होगा। लोगों को यह प्रोडक्ट आपसे खरीदना ही पड़ेगा, जिससे कि आपको बहुत प्रॉफिट होगा और आपका स्टार्टअप भी सफल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एयरबीएनबी। देखिए, पहले टूरिस्ट के रहने के लिए होटल नहीं थे, लेकिन ब्रायन जो एंड नाथन एक नया कॉन्सेप्ट ले आए जो एकदम ब्रांड न्यू था। उन्होंने सोचा कि बहुत से घरों में एक या दो कमरे हमेशा ही फ्री पड़े रहते हैं, तो क्यों ना इन कमरों को टूरिस्ट को होटल से सस्ते दाम में रहने के लिए दे दिया जाए। इसी आइडिया को लेकर उन्होंने एयरबीएनबी वेबसाइट बनाकर अपना स्टार्टअप लॉन्च कर दिया। यह आइडिया बहुत यूनिक था, इससे पहले ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं था। लोगों को ये काफी पसंद आया और लोग धीरे धीरे वेबसाइट से जुड़ते चले गए। सबसे पहले घरों में खाली पड़े कमरे ऑफर्स दिए। इससे टूरिस्ट को भी बहुत फायदा हुआ, क्योंकि होटल के मुकाबले इनका रेंट बहुत कम था और टूरिस्टों को घर जैसा एहसास होता था। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, मतलब एकदम नए आईडिया से। अगर वो भी दूसरों को कॉपी करके होटल खोलते तो क्या उन्हें इतना प्रॉफिट होता? कभी नहीं। इसलिए कभी भी दूसरों का आइडिया कॉपी न करके, बल्कि अपने यूनिक आइडिया पर बेस्ड कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोचे। मोनोपोली बनाइए। पीटर थियल कहते हैं कि अगर आप अपनी कंपनी की मार्केटिंग में मोनोपोली बनाने की कोशिश करेंगे, इससे बहुत अधिक फायदा होगा। मोनोपोली का मतलब है कि सारे मार्केट में आपका ही प्रोडक्ट हो। कुछ लोग तो ये बोल सकते हैं कि मोनोपोली बुरी होती है, इससे कीमत बढ़ जाती है, लेकिन ये तो
इस बात पर डिपेंड करता है कि स्टार्टअप का ओनर स्वार्थी है या अच्छा इंसान है। ओनर कीमतें न बढ़ाकर भी मोनोपोली से बहुत फायदा कमा सकता है। इससे लोग उसे गुडविल भी देंगे, जो स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इंडिया में मोनोपोली का सबसे बेस्ट एग्जांपल है IRCTC। IRCTC एक प्राइवेट कंपनी है जहां पर आप इंडियन रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इसी कंपनी की वेबसाइट से रेल टिकट बुक कर सकते हो, ऑनलाइन और दूसरी कंपनी नहीं। जहां से आप रेल टिकट बुक कर सकते हैं, इसलिए ये कंपनी हमेशा मोटा मुनाफा कमाती है क्योंकि इसने मोनोपोली बना रखी है। अगर आपको अपने स्टार्टअप में सक्सेसफुल होना है तो पीटर थियल बताते हैं कि एक सफल स्टार्टअप की कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। उन्होंने 4 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई हैं, आपको भी अपने स्टार्टअप में इसे जरूर यूज करनी चाहिए। नंबर 1 है प्रोप्राइटरी। आपकी स्टार्टअप में प्रोप्राइटरी की विशेष जरूरत होनी चाहिए, जिसका मतलब है आपके प्रोडक्ट पर पूर्ण रूप से आपका अधिकार होना चाहिए। इसके लिए आप प्रोडक्ट का टैगमार्क या कॉपीराइट जरूर करवा लें, इससे कि कोई भी आपके प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर पाएगा। कोई भी प्रोडक्ट बनाए तो पहले उसका पेटेंट करवा लें या उसका कॉपीराइट करवा लें। ये प्रोडक्ट के टाइप पर डिपेंड करता है कि आपको पेटेंट मिलेगा या कॉपीराइट। ज्यादातर मेडिसिंस के लिए पेटेंट मिलता है और बुक्स के लिए कॉपीराइट्स। नंबर 2 है नेटवर्क इफेक्ट। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसका नेटवर्क बन सके। जैसे फेसबुक पहले USA में स्टार्ट हुआ था, फिर धीरे धीरे यूजर्स बढ़ते गए, सब फेसबुक यूज करने लगे और नेटवर्क बढ़ता ही चला गया। लगभग आज सारी दुनिया में इसका साम्राज्य फैला हुआ है। आप भी क्या ऐसा प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोच सकते हैं जिसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल सके। नंबर 3 है इकोनॉमी ऑफ स्केल। पीटर कहते हैं कि स्टार्टअप पहले छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन उसमें ऐसी क्वालिटी भी होनी चाहिए कि बाद में उसे स्किल करके बड़ा भी किया जा सके। इसके बहुत से एग्जांपल दिए जा सकते हैं, जैसे कि Amazon, Uber, पतंजलि आदि। पहले ये सब स्टार्टअप छोटे स्केल पर शुरू हुए थे, लेकिन आज पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। नंबर 4 है ब्रांडिंग। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग जरूर करनी चाहिए। आपने बहुत सी ब्रांड्स के बारे में सुना ही होगा, जैसे कि एप्पल, एडिडास, सैमसंग, रेबन। कोई प्रोडक्ट ब्रांड कब बनता है? जब उसकी क्वालिटी बहुत ही टॉप लेवल की होती है। क्वालिटी ज्यादा लेने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करनी पड़ती है और एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा लगाने पड़ते हैं। इससे प्रोडक्ट की कीमत भी ज्यादा हो जाती है और वो ब्रांड बन जाता है। ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पर कस्टमर को बहुत अच्छा फील होता है, वो इसलिए ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उस प्रोडक्ट को वो स्टेट सिंबल्स भी मानने लगते हैं। एप्पल के प्रोडक्ट की कहानी तो सबको पता ही होगी। वहीं दूसरी ओर अगर आप घटिया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, तो कोई उसे फ्री में भी लेना नहीं चाहता है। इसलिए प्रोडक्ट के ब्रांड में कन्वर्ट करना बेहद जरूरी है, तभी आपका स्टार्टअप सफल होगा। हाउ टू स्टार्ट द कंपनी एंड स्टार्टअप, यानी नया स्टार्टअप कैसे शुरू करें। अगर आपके पास कोई भी यूनिक आइडिया है तो आप भी अपना स्टार्टअप लगा सकते हैं। इसके लिए ऑथर ने 4 स्टेप्स बताए हैं। नंबर 1 है स्टार्ट विद अ फ्रेंड्स, यानी किसी दोस्त के साथ शुरू कीजिए। हमेशा स्टार्टअप किसी लाइक माइंडेड फ्रेंड के साथ लगाइए, जिसके साथ आपकी अच्छी बनती हो और आप दोनों की ब्रेन फ्रिक्वेंसी भी मैच करती हो। मतलब आप दोनों लगभग एक जैसा सोचते हो और अपने आइडिया को लेकर उत्साहित हो। अन्यथा पेरेंट्स के साथ छोटे छोटे झगड़े होने लगेंगे और स्टार्टअप चलने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगा। पीटर थियल और एलोन मस्क दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे। दोनों ने पेपल स्टार्ट किया, जो आज भी सारी दुनिया में यूज होता है। नंबर 2 है क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी फाउंडर्स या पार्टनर्स हो, सबको अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही समझा दें और डॉक्यूमेंट्स पर लिख भी लें। जैसे मैनेजमेंट कौन देखेगा, मार्केटिंग कौन संभालेगा, अकाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। इसके बाद में झगड़ा नहीं होगा और ऐसा करने से स्टार्टअप
स्मूथली चलता रहेगा। नंबर 3 है हायर फुल टाइम एम्प्लॉयज। स्टार्टअप में एम्प्लॉयज तो हायर करने ही पड़ेंगे, जैसे मैनेजर्स, अकाउंटेंट आदि, लेकिन ऑथर कहते हैं कभी भी फ्रीलांसर को हायर मत कीजिए, फुल टाइम एम्प्लॉयज भी रखिए। ऐसे एम्प्लॉयज कंपनी में लगन से काम करते हैं, उन्हें कंपनी के बारे में अच्छे से समझ भी होगी और वो जिम्मेदारी से काम करेंगे। फ्रीलांसर पेमेंट होते ही बाय बाय कर देते हैं। नंबर 4 है पे लॉस टू फाउंडर्स। ऑथर कहते हैं कि जब स्टार्टअप नया हो तो फाउंडर्स को बहुत ज्यादा सैलरी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शुरू में मुनाफा इतना नहीं होता है। पहले ही भारी भरकम सैलरी ले लो तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ही नहीं रह जाएंगे और स्टार्टअप की ग्रोथ बहुत ही धीमी हो जाएगी। अगले चैप्टर में पीटर थियल हमें प्रोडक्ट की मार्केटिंग के बारे में बताते हैं। मार्केटिंग में मार्केटिंग से यहाँ मतलब है प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट, याने नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत बड़ा है या बहुत बड़ा ऑर्डर आया है तो उसे कॉम्प्लेक्स डील की कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे में आपको खुद बैठकर नेगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि दूसरी कंपनी बहुत बड़ा ऑर्डर दे रही है तो ओनर से ही बात करनी चाहिए। नंबर 2 है पर्सनल मार्केटिंग। पर्सनल मार्केटिंग से मतलब है ऐसी मार्केटिंग जिसे कोई पर्सनल करे, जैसे सेल्समैन। नंबर 3 है एडवाइसमेंट। एडवाइसमेंट तभी करनी चाहिए जब प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज्यादा ना हो और डेली टू डेली लाइफ में यूज होता हो। नंबर 4 है वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग का मतलब है प्रोडक्ट को एक कस्टमर से दूसरे तक तेजी से पहुंचाना। जैसे आपने ज्यादातर एप्स में देखा होगा, एप्स बनाने वाली कंपनी ऑफर देती है कि अपने फ्रेंड्स को ऐप के बारे में मैसेज फॉरवर्ड करो और आपको कुछ कैशबैक मनी मिलेगी। आपको थोड़े पैसे देकर कंपनी अपना ऐप ज्यादा लोगों से डाउनलोड करवा लेती है और बाद में एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए ऐप से बहुत सा पैसा कमा लेती है। आपने देखा होगा कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, पबजी इत्यादि में तरह तरह के ऑफर्स आते ही रहते हैं। दोस्तों, यही थी आज की बेस्ट सेलर ऑडियो बुक समरी। उम्मीद है कि आपने इस समरी से काफी कुछ सीखा होगा। अगर आप अपना नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है और अगर आप अपने बिजनेस को काफी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको जरूर सुननी चाहिए, ताकि आप भी अपने बिजनेस में सफल। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।